और स्टार्टअप का सबका आइडिया भी सेम ही है कि जो भी काम लोग रियल लाइफ में कर रहे हैं हम वो इंटरनेट पे कर देते हैं कि आप रियल लाइफ में राशन खरीदते हो, जरूरत नहीं, getmyration.com वहीं राशन आ गया, खा लो आराम से। आप रियल लाइफ में टॉयलेट जाते हो, जरूरत नहीं, ऐप है उसके लिए, बटन दबाओ घर ग्लास लेके आएंगे, उसमें मुंह दो आप, वो बाद में बेच देंगे उसको। कुछ लोग प्रसाद देते हैं ऑनलाइन, प्रसाद आप बस माता सेलेक्ट करो, ठीक है, वो आपके लिए वैष्णो देवी जाएंगे, वहां सब करेंगे, जोर से बोल लो, ओ मैं नहीं सुनिया, यार आप रो जाते हो, आप में बहुत श्रद्धा है, श्रद्धा नहीं, क्लाइंट्स बहुत हैं हमारे, ठीक है, प्रसाद उनको मिलता है, आशीर्वाद तो हमें मिल रहा है सारा। तो मैं बालकनी होता है लोअर स्टॉल होता है, और मैं कभी लोअर स्टॉल गया नहीं, एक बार गया था, मेरे दोस्त में ले गया था, अब अजीब बातें करके ले गया, कहता लोअर स्टॉल चलना, मैं कहा मुझे जाना, कह रहा चलना, मैं क्यों, कह रहा यार यही बातें तो बाद में याद आएंगी। मैं कहा मतलब, कह रहा क्या हरकतें करते थे, फिक्र नहीं करते थे, यही बातें बाद में यादें बनती हैं, आ जा आ जा आ जा आ जा। ये ऐसा आदमी है जो प्रेजेंट में नॉस्टैल्जिया में जी रहा है, आप समझ रहे, ये यादें बना रहा है उनको जीते टाइम ही। मैं बस लंच करने गया था, चाइनीज खाने गए थे, वहां से निकल रहे हैं, कह रहे ओए याद है जब चाइनीज, मैं चबा रहा हूं मैं अभी यार, पेट तक तो पहुंचते खाने को। तो ये ना फालतू की फील में रहता है, क्या करता है ये दोस्तों के यहाँ बैठ के वो चीजें एड्रेस करता है जो एड्रेस करने की जरूरत भी नहीं है। फालतू में जैसे चार दोस्त बैठे हैं, किसी ने जोक मार दिया, सब हंस दिए, ये दोस्ती के पल, मैं चबे यार मैं जीने दे पलों को पहले, तो यार पल के बीच में तू बोलता रहता है, बाद में जब पल याद करते हैं तेरी आवाज आती रहती उसमें। Okay, recently one of my friends went through a breakup and he's one of those guys who can't handle their breakups. तो ब्रेकअप के बाद कुछ ज्यादा ही रोने लगे, चली गई भाई, चली गई, ओ शिट यार, इतना प्यार किया फिर भी चली गई, इनसे विश्वास ही नहीं होता इनको कोई लड़की छोड़ सकती है। But what they do is they never tell you directly they have broken up. What they do is they try to slip it in conversations. लेकिन हर बात में ना ब्रेकअप की टोन आती रहती है, मनहूसियत, मतलब आप फोन कर लो आपका मूड ही खराब हो जाए, मतलब मैंने फोन किया, मैं कहाँ है, कह रहा हॉस्टल में, मैं कहा अकेला है, बहुत मैं कोई नहीं यार टेंशन मत ले, दारू पिया क्या, नहीं आंसुओं से पेट भर लिया, अच्छा मैं एक बार छोटा था तो मैं चॉकलेट खा रहा था, तो मैं डैड आया, कहता बेटा चॉकलेट मत खाओ, मैं क्यों, क्या दांत में कीड़े पड़ जाएंगे, तो मैं आइसक्रीम खाने लग गया, तो मैं डैड आया, कहता बेटा आइसक्रीम मत खाओ, मैं क्यों, क्या दांत में कीड़े पड़ जाएंगे, तो मैं कीड़े खाने लग गया। मैं डैड आया, कहता बेटा कीड़े मत खाओ, मैं क्यों, कह दांत में कीड़े पड़े, मैं इधर आओ पापा, जरा इधर आओ, इधर आओ जरा बात करनी है। मैं कोई और बात करनी आती आपको, कह तमीज से बात करो, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, मैं कहो रिस्पेक्ट नहीं की तो, कह तो दांत में कीड़े, पागल तो नहीं आ रहा आप। Okay, recently one of my friends came up to me and he criticized me, right? But he criticized me for something that I have never been criticized for in my entire life. He said, and I quote, "Yar, वैसे तो बंदा बड़ा प्यारा है, पर यार तेरे मसूड़े बड़े गंदे हैं." Exactly. It took a little time for me to register this completely. मैं कहा, हाँ यार, I have to work on it. एक मसूड़े? मसूड़े होते किसके अच्छे? मसूड़े कोई एलिगेंट बॉडी पार्ट नहीं है, लाइक यू नेवर सी गाइस टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, भाई बंदी क्या मसूड़े थे यार, ये बंदी का ये वाला पार्ट इतना सुंदर है ना, ये वाला मजा आता देख। अब मैं लाइफ में बताता हूँ कुछ,
यार आज से 5 साल पहले मेरी लाइफ में बहुत ही डार्क टाइम चल रहा था। वो 5 साल पहले मैं क्राइम पेट्रोल में बहुत घुस गया था। मैं सारा दिन क्राइम पेट्रोल देखता रहता था। ऑफिस से छुट्टी लेके ऐसे कॉपी लेके नोट्स बनाता था देखते टाइम कि अनूप सोनी बोल क्या रहा है आखिर यार ये। अच्छा हमें सतर्क रहना है, हमारी गलती है मतलब सारी। क्राइम पेट्रोल ना सॉल्ट केसेस दिखाते हैं, सॉल्ट केसेस। ये जो आपको मर्डर दिखा रहे हैं जब आप देख रहे हो एपिसोड, उस टाइम वो सजा काट रहा है जेल में, वो सजा काट रहा है, वो जेल की कैंटीन में बैठ के अपना ही एपिसोड दिख रहा है। अच्छा मैं दिखा रहा है आज, हाँ ऐसे ही मारा था, ऐसे ही मारा था। यही बातें तो बाद में याद आती हैं। बंद कर दिया मैंने क्राइम पेट्रोल देखना फिर यार। मैं दिमाग खराब हो रहा था सच में, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपको। मेरे सपने में अनूप सोनी आता था, मैं कहा ये कैसी लाइफ जी रहा हूँ मैं, फिर सपने में अनूप सोनी आ रहा है। नहीं बंदा बुरा नहीं है पर सपने में अनलाइक भी नहीं है ना बंदा। मैं पार्टी में आ रहा हूँ, लोग कह रहे हैं बाय, मैं कहा सतर्क रहे सुरक्षित रहेंगे। उसमें दिखाया कि उसका बाप, सुबह का टाइम था, उसका बाप सो रहा था और एसी चल रहा है, धूप आ रही है, चद्दर लेकर उसको देख के मुझे नींद आ रही थी सच में, बहुत मजे में सो रहा था, आराम से सो रहा है। ये आई अपने सोते हुए बाप के ऊपर आके कूद गई, कहती उठो पापा, उठो क्या करे पापा, सुबह हो गई, कितना सोओगे। और उसके पापा क्या बोल रहे हैं, ओहो शैतान आ गई। बहुत क्लियरली नाटकीय रूपांतर है, क्योंकि अगर मेरा बाप सुबह वैसे सो रहा हो और मैं जाके उन पे कूद जाऊं तब होगा असली क्राइम पेट्रोल छोरो। मेरा बाप मुझे शैतान नहीं बोलने वाला, वो जो बोलेंगे बाद में उन्हीं को शर्म आएगी। पर डाम बनाने का पॉइंट पता क्या है कि देखो यार मर्डर हुआ है एक, एपिसोड बनाने हैं दो, तो ये ना सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि आपको गेस करना है क्रिमिनल कौन होगा, क्या पता बाप ही निकले। और जिस तरह उठाया था बाप ही निकलना चाहिए था। और मैंने ना इसलिए देखना बंद किया क्राइम पेट्रोल क्योंकि मेरे लिए पर्सनली सस्पेंस खत्म हो गया था। मुझे पहले ही पता चल जाता था कि क्रिमिनल कौन है क्योंकि वही 15-20 एक्टर हैं इनके पास, ठीक है, उन्हीं में एक गंदी शक्ल वाला पकड़ रखा है, हर बार वो रेपिस्ट ही बनता है। मैंने कहा इस आदमी की सोशल लाइफ क्या रह गई, अब इसकी बीवी का पड़ोसन छिड़ जाएगी, आपका पति बस रेपिस्ट के रोल करता है, क्या चक्कर है। नहीं बहन जी देखो वो तो एक्टिंग होती, इतनी एक्टिंग नहीं होती बहन जी। हाँ बच्चों दूर रखो उसको आप, बस चलो बेटा, बेटा ये गंदे अंकल नमस्ते नहीं करनी। एक और रीजन, एक्चुअली आई एम डिसेबल्ड, आई एम कलर ब्लाइंड, एंड ये जो सिंपथी नहीं है ना आपकी आंखों में यही प्रॉब्लम है इसकी। किसी की सिंपथी नहीं मिलती इस डिसेबिलिटी में सच में। और मुझे 16 साल की उम्र तक पता ही नहीं था मैं डिसेबल्ड हूँ। यहीं से आप एक डिसेबिलिटी की औकात देख लो कि आपको पता ही नहीं है कि आप डिसेबल हैं। कोई और डिसेबिलिटी नहीं है ऐसी, कोई लंगड़ा आदमी नहीं 17 साल का होकर बोलता मैं लंगड़ा हूँ क्या, तभी भाग नहीं पा रहा था, इतनी रेसें लगाई मैं जो सारी हार गए। और मैं मजाक उड़ा सकता हूँ लंगड़ों का क्योंकि डिसेबल डिसेबल उड़ा सकते हैं। तुम मत बाहर जाके शुरू हो जाना लंगड़े लंगड़े, ठीक है। क्यों बोल रहा था मैं अलग, मेरा स्पेशल केस। तो इसका टेस्ट होता है इस डिसेबिलिटी का, बहुत सिंपल टेस्ट है, घर में ले सकते हैं। बाकी डिसेबिलिटी का कोई टेस्ट भी नहीं है, पता है ना लंगड़े हैं तो है, मैं टेस्ट के लेना, बाकी देखो गिर जाओगे, ठीक है। सिर्फ मैं कर सकता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, इनफैक्ट तुम्हारा हंसना भी गलती है। पंचिंग डाउन कहते हैं, तुम्हें पता है ना पंचिंग डाउन क्या होती है, किसी को पता है, मैं तुम्हें कॉमेडी का रूल समझाया तो तुम्हें अभी समझा दो बड़े होके ताकि कॉलेज, ठीक है। तुम्हें पंच डाउन नहीं करना होता, पंच अप करना होता है,
इसका मतलब तुम उसका मजाक बना सकते जो जो कुछ नहीं कर सकता. एज इन तुम अंबानी का मजाक उड़ा सकते हो क्योंकि बहुत अमीर है, वो हमसे ऊपर है, पर उसकी अमीरियत का मजाक उड़ा सकते हैं, उसके स्टटर का नहीं, क्योंकि वो बेचारा उसका क्या ही करे. पर आई थिंक अंबानी का उसका भी उड़ा दो, कुछ रहेगा कुछ तक बात पहुंचेगी नहीं. ठीक है, पंच डाउन नहीं करना तुम्हें, ये नहीं कि गरीब ये अपाहिज मेरा तुम मत उड़ाना देखो तुम. ठीक है, तो इसीलिए उनका पर तुम मत करना. ठीक है, कल को तुम्हें लगा कि हम शेख के शो से आए थे कहेंगे ये उपमन्यु की ऑडियंस पहचान चुकी है, ये समय तुम्हारा नाम खराब होगा, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो बोल दूंगा बाजी लो, पता नहीं किस बात पे हंस रहे थे, मैं तो डिसेबल्ड हूँ इसलिए. तो वो उसका टेस्ट होता है, और टेस्ट ये उसका बहुत सिंपल है, बहुत सारे कलर्स होते हैं, उनमें एक नंबर छुपा होता है, तो जो एबल्ड लोग हैं आप जैसे वो नंबर देख लेते हैं, मुझे नहीं दिखता. टेंथ की बायोलॉजी बुक में था एक, जब मुझे थोड़ा शक हुआ क्योंकि सारे बच्चे कह रहे हैं हाँ 26 है, 26 है. इतना सिंपल क्वेश्चन, काश यही बोर्ड में आ जाए 26. मैं यार मुझे तो नहीं दिख रहा. मैं कहा कोई बात नहीं, आंसर तो पता ही है, वही जरूरी है. तो मैं उस टाइम जो भी है, उसके बाद 12th में जो वो एक नंबर था ना, मैम के ऐसे पूरी किताब थी उसमें नंबर ही नंबर है, पूरी क्लास को खड़ा कर दिया, बताना शुरू करो. मैं कहा आ गया वही टेस्ट. तो मेरा आगे वाला बच्चा गया, और मैम ऐसे पूरी किताब पकड़े बैठी थी, और साथ में ऐसे नाखून करती थी कि हाँ ये वो, चलो बताओ नंबर सारे, और सारे बच्चे आके टेस्ट बताए, हाँ देखा ना मैम, हाँ 10, 20, 30, ये क्या पूछ दिया, टाइम वेस्ट कर दिया फालतू बुला के. तो मेरे आगे वाला बच्चा गया, मैंने कहा यार ये वही टेस्ट आके काम करता हूँ, मेरे आगे बच्चा तो कोई आंसर देगा ही ना, उसी के आंसर सुन के हम बोल देंगे. मैं अगला बच्चा गया, उसने कहा हाँ मैम 9, 11, 23, वेरी गुड अभिषेक आओ जल्दी करो. मैं कहा 9, 11, 23. कई नंबर एक दिखाया तुमने, 3 बोल दी. पेज पलटने की वेट करनी चाहिए थी. रैंडम पेज खुला, एक मिनट बताओ कौन. मैं कहा कि 26. रॉन्ग. मैं कहा सॉरी मैम, प्लीज मैम सॉरी. क्या सॉरी की बात नहीं, तुम डिसेबल्ड हो. एक गलत आंसर की इतनी बड़ी सर. मैं कह मैं डिसेबल्ड हूँ, कह रही हाँ. मैं कह पक्का, कह रही पक्का. मैं कोटा में जाए, कह रही क्या, मैं कुछ नहीं छोड़ो उन बातों, छोड़ो. मैंने ली थी कोटा, लेने की कोशिश की थी मैंने, यार मैं इंजीनियरिंग में था ना, और सेकंड ईयर के बाद कुछ हो नहीं रहा था. मेरे ग्रेड्स कम ही होते जा रहे हैं विद टाइम ना. मैं सेकंड में पीक किया था मैंने, सेकंड क्लास में, उसके बाद से तुम्हें क्या गया सेकंड ईयर में क्लास क्लास. तब तुम देखते कहते लड़का एस्ट्रोनॉट डॉक्टर लॉयर तीनों बन जाएगा. उसके बाद से कमेडियन थी, समझ रहे हो आप कितना इतने नीचे तक पहुंच गए कि सबसे. तो मैंने कहा कि तो उन्होंने कहा तो मैंने जो कोटा चाहिए था सेकंड ईयर के बाद, मैंने कहा यार मेरे से मार्क्स कम होते जा रहे हैं, एक डिसेबिलिटी होती थी अपनी एक, मैं कहा उसका यूज़ करते हैं यार. तो मैं गया कॉलेज के उसमें पूछने के लिए, मैं कहा वो अप्लाई करना था डिसेबिलिटी के लिए, वो कह रहे कि किसको. मैं कहा मुझे. कह भाग जाओ यहाँ से, घर जाओ, घर जाओ जल्दी जल्दी घर जाओ, किसी को बताएंगे नहीं हम ये बात. चलो मैं अपने घर में डाल. अब बाद मैंने सोचा एक्चुअली जब मैं रास्ते में आता, मैं ऑब्वियसली इसका क्या, उसका क्या, इसका टेस्ट क्या है कि आपको क्या दिख रहा है. किसको पता आपको क्या दिखता है. Nobody can find out. ये कौन सा नंबर है, नंबर नहीं बंदर दिख रहा है इसमें. ये कौन सी बीमारी हो गई. तो मैं दोस्त मुझे कह रहा था तू कलर में ना आंखें मत डोनेट करती हूँ, क्योंकि जिसको मिलेंगी वो अंधे से तो अपग्रेड ही है. पूछ जाके किसी अंधे से आंखें मिल जाएंगी, 2-3 कलर ठीक नहीं दिखेंगे. चलेगा क्या आपको ना. सारा काला ही ठीक है. आपने देखा बहुत सारे लोग यूनिवर्स की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि सच है, मतलब पर हमारे किसी काम की नहीं है. पता नहीं क्यों देते रहते हैं फालतू में लोग. आपने सुना होगा लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई इंसान तो कुछ भी ना, हम ब्रह्मांड में हम तो कुछ भी नहीं है इंसान, तो मतलब हम तो थूक के बराबर भी नहीं है, मतलब हम उसमें हम इतने छोटे हैं. मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ. ये
ये फालतू बातें क्या बता रहे हो मुझे? हाँ स्टार से तो छोटे ही होंगे हम, पर स्टार का एग्जाम थोड़ी देना है बैठ के। उसमें स्टार्स को बता रहे थे, कहते हैं स्टार्स लाइट ईयर्स दूर है। लाइट ईयर्स मतलब लाइट को सालों लगते हैं वहां से यहां पहुंचने में। तो बता रहे थे जो अभी आप स्टार देखते हो ना, एक्चुअल स्टार है भी नहीं, स्टार फटके मर चुका है। वो तो लाइट आपकी आंख में अब पहुंची है इसलिए आपको अब दिख रहा है। मैं क्या मतलब बचपन से चूतिया कटे जा रहा है? वो पापा कहते दादी या नानी फट गए सारे। बड़ी गंदी मौत मरे हैं। मुझसे को पूछता आपकी नानी कैसे मरी? मैं फट के। Like, have you noticed that how as Indians, like, we are good with a lot of things. We are good with maths. We are good with technology. But one thing that I think we are not good at is handling insults. Like, if somebody insults us, we just repeat the insult. Like, immediately, tu kutta, tu kutta. या वॉल्यूम ऊपर कर दे, तू पैंचो, तू पैंचो। मैं कहा बेइज्जती करें, दिमाग लगा ले भाई थोड़ा, क्या हो गया? एंड द एडल्ट वर्जन ऑफ द सेम थिंग विच आर पेरेंट्स डू, व्हाट दे विल डू इज दे विल रिपीट द होल फ्रेज। लाइक जो भी अपने सेंटेंस बोला एज इट इज वही रिपीट कर देते हैं, थोड़ी सार्कास्टिक टोन के साथ, बस वही वही डिफरेंस है। लाइक वंस आई वाज बेथिंग, माय मॉम केम, ये बारिश में नंगा क्यों नहा रहा है? मैं कहा मुझे लगा मजा आएगा, चुप कर, मुझे लगा मजा आएगा। एंड द सैड पार्ट इज दैट इवन इफ दे हैव अ गुड कमबैक, एक अच्छा कमबैक है जिससे मेरी बेइज्जती हो जाएगी, एंड में रिपीट ही करेंगे, लाइक चुतियाब से एंड करेंगे, पता नहीं क्यों। लाइक माय मॉम इज वेरी कंजर्वेटिव, तो उनको लगता है ना बालों लंबे करना लड़कियों का काम है, लड़के नहीं करते ये सब। So once I asked my mom, मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ थोड़े बाल लंबे करूँ यहाँ यहाँ तक ना। कह रही हाँ हाँ लंबे कर लो, साड़ी पहन लो, सड़क पे नाच लो। घर में थोड़े पैसे आएंगे, बाल लंबे कर लो। No, people are really ignorant towards homosexuality, right? पीपल क्या, मेरी खुद की मॉम बहुत ज्यादा इग्नोरेंट है। लाइक आई टोल्ड माय मॉम, मैंने कहा मॉम मेरा एक फ्रेंड गे, कह रही बेटा सा कुछ नहीं होता। मैं कहा होता है मॉम, मैं गेस की बात कर रहा हूँ, भूतों की नहीं। क्या चुप कर, भूत होते हैं। सो माय मदर एंड माय फादर, आई थिंक माय पेरेंट्स, दे बोथ डिडंट लाइक मी फ्रॉम द टाइम आई वाज बोर्न। Particularly because I was very ugly as a child, unlike right now. No, but I was born, I was very weak. Like इससे पतला था सर, बड़ा डॉक्टर कहता चीची क्या हो गया है? तो पूरे हॉस्पिटल का मूड खराब कर दिया इसने यार। Like my dad saw me, and this was the first conversation that he had with my mom after I was born. क्या करना है फिर इसका? मॉम में दर्द तो सारा मैंने सहा है, क्या करना है फिर इसका? और अब वो और परेशान हो गया, कमेडियन बन गया, इसकी कमेडियन बन गया, इसकी लाइफ गई, फक हो गया सब कुछ। अब तो अब ना उनके पास मेरी सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सलूशन है कि बेटा तुम सुबह जल्दी उठो, तुम नाश्ता करो, लाइफ अपने आप सेट हो जाएगी। मैं कहा पापा मुझे एड्स है। क्या तुम सुबह उठ के तो देखो यार। ये पुलिस की तारीफ के लिए शो बनाया है, क्योंकि आपने देखा होगा क्राइम पेट्रोल में पुलिस सारे केस सॉल्व कर लेती है सारे। और पता है इनको एक तरीका आता है, इनको एक ही तरीका है इनके पास, फोन रिकॉर्ड्स निकालना। ये बस फोन रिकॉर्ड्स निकाल देते हैं पुलिस वाले। जब से इनको पता लगा ना कि फोन से कैसे ट्रेस करना है, स्टेशन से बाहर जाना ही छोड़ दिया। इंडोर जॉब है वो। सारे केस ऐसे सॉल्व करते हैं, इंस्पेक्टर साहब इसका मर्डर हुआ क्या करना है? बहुत सिंपल है, जिसका मर्डर हुआ पर उसके सारे दोस्तों को बुलाओ, सारे दोस्तों खड़ा करो यहाँ लाइन में, अब सबके फोन रिकॉर्ड निकालो,
निकालिए, दिखाओ जरा इधर हमको। हाँ तो ये मर्डर से 15 मिनट पहले इसको लास्ट कॉल तुम्हारे नंबर से आई थी। तुम वो मर्डर? कह रहा मैं ही हूँ। टफ डे एट वर्क। क्यों बताइए, क्राइम पेट्रोल ऐसे डायरेक्टली नहीं दिखाते कि इस लड़की का मर्डर हुआ है, ये उसका नाटकीय रूपांतर बनाते हैं और उसमें अपनी कमेंट्री देते हैं। ऐसे दिखाएंगे मर्डर वाले दिन, ऐसे सुबह सुबह लड़की उठी है, हाय पापा, उसे क्या पता था कि उसका आखिरी हाय पापा होगा। कोई मर गया तो मजे ले रहे उसके, उसे क्या पता था मतलब। और इसका पूरा डे दिखा देते हैं, पूरा डे की लड़की सुबह उठी है, हाय पापा, पापा को पप्पी, हाय मम्मी, मम्मी को पप्पी, हाय कुत्ते, कुत्ते को पप्पी। मैं इतना कौन खुश है अपने घर पे? नहीं, मेरे घर में तो ऐसी सुबह नहीं होती। सच में इसको देख के सोचा था, मैं कहा हमारी फैमिली डिप्रेस तो नहीं कहीं, हमें तो प्यार ही नहीं इतना यार सुबह उठ के। हमारी नहीं पप्पियां झप्पियां चल रही, लड़ाइयां ही चल रही उल्टा। ये को टाइम आउट ने कहा, आप चुप रहो, तुम चुप रहो, मैं ठीक है। मैं कुछ अच्छा देखते हैं जिससे कुछ इंटेलिजेंस बढ़े, तो मैंने मतलब कुछ फायदा तो होना है एजुकेशन, तो मैंने कॉस्मोस देना शुरू कर दिया। कॉस्मोस पता है आपको? कॉस्मोस यूनिवर्स की डॉक्यूमेंट्री है। यूनिवर्स पता है ना? बहुत सही होता है, मुझे बहुत पसंद है यूनिवर्स। और डॉक्यूमेंट्री बहुत सही थी, बस में कुछ चीज मुझे अजीब लगी। वो ना बोल रहे थे कि हम अर्थ पे हैं। वो अजीब नहीं है, वो तो शुक्र है। बाकी प्लैनेट्स तो बहुत ही फुद, छोड़ो बाकी प्लैनेट्स की बिचिंग करने नहीं आए हम यहाँ पे, ठीक है। कहते अर्थ, हम अर्थ पे हैं, अर्थ एक सोलर सिस्टम का पार्ट है। तो कहते हैं बिलियन सोलर सिस्टम मिलाओगे आप, बिलियन, तो जाके एक गैलेक्सी बनेगी। फिर बिलियन गैलेक्सीज मिला दो, एक लोकल ग्रुप बनता है उससे। फिर बिलियन लोकल ग्रुप मिला दो, अब है एक और बिलियन। और जब ऐसे 5-6 बिलियन लगा लोगे, तब जाके हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बनता है कि भाई अभी इतना यूनिवर्स है ढूंढने को और पक्का है, पर अभी तक तो इतना ही पता है कि इतना ढूंढना है। मैं कहा जब इतना है अभी ढूंढने को तो रहन दो फिर। तुम बस लेवल बढ़ा रहे हो बच्चों का अब। और ढूंढने का इतना शौक है, कोई ढंग की चीज ढूंढ लो, मेरी सॉक्स नहीं मिल रही।